नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, हर ग्रह में, नौ ग्रह, हर ग्रह में अगर आप जाओगे और सबके सबके लक्षण आप जानोगे, तो सबसे खतरनाक लक्षण, सबसे ज्यादा डरावने लक्षण आपको मिलेंगे शनि ग्रह में, राहु ग्रह में, मंगल ग्रह में। और हर व्यक्ति डरता भी है, राहु से हर व्यक्ति डरता है, क्योंकि राहु अगर आपकी लाइफ में आए बर्बाद कर देगा। शनि अगर आपके पीछे पड़ गए, इंसान का मान सम्मान सब चला जाता है, नौकरी धंधे चालू चालू बंद हो जाते हैं, तरह तरह के अपयश लगने लग जाते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में तो इंसान बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी जेल चला जाता है ना। राहु अगर आपके पीछे पड़ गए, तरह तरह के तंत्र मंत्र में आपकी जिंदगी फंस जाएगी, भूत पिशाच जिन जिन्नात आपको परेशान परेशान कर देंगे, है ना। तो ये ग्रह ऐसे ही जिनको हमेशा शांत रखने चाहिए। आप देखना, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति के साथ अगर आपकी दुश्मनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो जहां तक बात गई थी वहीं तक सीमित रहेगी कि चलो ठीक है, सामने वाला आदमी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा जेनरस है, थोड़ा ठीक ठाक है, चलो जाने दो, हटाओ छोड़ो। लेकिन अगर किसी नीच किस्म के इंसान के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत ही ज्यादा कोई पंचायती इंसान है, बदमाश इंसान है, और आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपके बारे में क्या क्या कर गुजरेगा, क्योंकि वो स्वभाव से क्रूर है, बदमाश है। तो एक बार कोई अगर अच्छा ग्रह है, थोड़ा शांत है, उससे आप पंगा ले ले चलेगा। लेकिन जो बहुत ही भारी ग्रह है, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अमावस्या के दिन कहा जाता है कि बहुत सारी चीजों से आपको सावधान रहने के लिए कहा जाता है कि आज अमावस्या है, सावधान। पूनम के लिए आपको कभी नहीं कहा जाता है कि आज पूनम है, इन इन चीजों से सावधान रहना। लेकिन अगर अमावस्या का दिन है, भारी दिन है, तो आपको समझाया जाता है कि आज के दिन चौराहे पर मत जाना, आज के दिन किसी के हाथ की सफेद मिठाई मत खाना, बाहर कपड़े रात को सूखने के लिए मत डाल करके रखना, सिर में पानी नहीं डालना, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितनी सारी चीजें है ना। तो आज आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि आपको शनि को कैसे प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अगर शनि देव आपके ऊपर नाराज हो गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। शनि देव ऐसे कोई गलत नहीं है, वो न्याय के देवता है। आपने अपनी पिछली जिंदगी में या पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म किए हैं, उसका लेखा जोखा लेकर के आते हैं शनि देव, है ना। कहते हैं जब शनि देव आते हैं तो इंसान डर जाता है, उसको आते हुए शनिदेव कभी अच्छे नहीं लगते। आते हुए तो लक्ष्मी जी अच्छी लगती हैं, जाते हुए शनिदेव अच्छे लगते हैं, है ना। दोस्तों, हमेशा शनिवार के दिन ब्लैक कलर के या ब्लू कलर के कपड़े पहनने चाहिए। शनि मंदिर में जाकर के सरसों या तिल का तेल शनिदेव को उड़द डाल करके अर्पित करना चाहिए। शनिदेव को हमेशा नीले कलर के पुष्प अर्पित करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन शनिदेव को नीले कलर के पुष्प अर्पित करता रहता है, उसकी जिंदगी में शनि की पनौती कभी नहीं आती। हाँ, फिर आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। ये नहीं है कि आप एक तरफ नीले कलर के फूल अर्पित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मार काट मचा रहे हैं, आपके नाम से त्राहिमाम हो रहा है, अत्याचार कर रहे हैं गलत तरीके से, गलत कर्मों के द्वारा आप अपने परिवार का निर्वाह कर रहे हैं, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। शनिदेव से डर करके रहें, सिंपल, शनिदेव से डर करके रहें, सत्य के रास्ते पर चलें, गलत कार्य ना करें और शनिदेव की पूजा करते रहें। पीपल की पूजा हर शनिवार को करें, पीपल के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दिया अवश्य ही लगाते रहें। शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे हमेशा। और आप शनिवार के दिन बिना भूले, अभी जिन लोगों को मैंने बताया कि आपकी कुंडली में शनि थोड़े भारी है, शनि की पनौती है, शनि की ढैया चल रही है, आप सभी को तो स्पेशली इस काम को करते रहना चाहिए। हर शनिवार सुबह उठते के साथ 8 बार ओम सम शनिश्चराय नमः, हथेली दर्शन के बाद कर लेने के बाद, अपने इष्ट को याद कर लेने के बाद, तमाम क्रिया कर लेने के बाद, हाथ जोड़ करके बैठ जाए, पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह रखें और बोले ओम सम शनिश्चराय नमः कम से कम 8 बार। हर शनिवार आप इस क्रिया को करें, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी शनि प्रधान है, जो कुंभ राशि के हैं, मकर राशि के हैं, बिना भूले नीलमणि धारण कर ले। ये साल आपकी किस्मत, नीलमणि धारण करने से जो बड़े बड़े संकट है वो दूर हो जाएंगे।
कोर्ट कचहरी के मामले में जो इस बार आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है वो साथ देगी। मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको जानकारी दी है कि शनि देव की कुदृष्टि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा देगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, ये लोग भी बिना भूले नीलमणि इस साल जरूर पहने, बड़े बड़े संकट टल जाएंगे। दूसरा, जरकन की अंगूठी बिना भूले मंगवा ले, आपके नाम से आपको अभिमंत्रित करके हमारे यहां से आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये अंगूठी आपकी किस्मत को चमका देगी, चार चांद लगा देगी, शुक्र को आपके मजबूत बना देती है जरकन की अंगूठी। और अगर आपके शुक्र मजबूत है तो पैसों की कमी आपको कभी होनी नहीं है, लिख लो इस चीज को, तो जरूर करें। छोटे छोटे से उपाय, ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे।